honorable ministers in charge of youth affairs and sports from the states and union territories, secretary youth affairs, secretary sports, senior officials from different states and union territories, and officials from the Ministry of Youth Affairs and Sports, the Government of India. I'm extremely happy that we are meeting for the first time, and in the very beginning of our tenure in the government, it's very important that we sit together and decide on the future course of action. मुझे इस चीज का एक तरह से एक सेटिस्फेक्शन है कि सब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लोग आए हैं. कुछ स्टेट में चीफ मिनिस्टर ही यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स मंत्री होते हैं तो वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं. कुछ स्टेट में गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, इलेक्शन सिस्टम नहीं है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है तो वहाँ मंत्री नहीं होते हैं. और ज़्यादातर स्टेट जो है ड्यूअल चार्ज में रहते हैं. यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स मंत्री के पास और भी मंत्रालय होते हैं, और कुछ स्टेट में बहुत ही डेडिकेटेड मंत्री बनाते हैं, वो फुल टाइम यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए देखते हैं. मेरे ख्याल से कुल मिलाकर के अच्छी मात्रा में रिप्रेजेंटेशन हुआ है, मंत्री लेवल अच्छा रिप्रेजेंटेशन हुआ है, साथ साथ हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का यहाँ प्रतिनिधि आए हैं. तो हमारे दोनों वरिष्ठ सचिव ने, दोनों सेक्रेटरीज ने अपने अपने विभाग को साथ में लेते हुए ओवरऑल व्यूज शॉर्ट में रखा है, लेकिन बाद में जब चर्चा होंगे तो उसमें आपका व्यूज, खास करके जो मंत्री जिस प्रदेश से मंत्री आए हैं वो तो अपना दृष्टिकोण रखेंगे, और जिस प्रदेश से जैसे प्रधान सचिव वगैरह आए हैं सीनियर ऑफिशियल्स, तो डिस्कशन के दौरान जब हमारा मंत्रालय से प्रेजेंटेशन होंगे फिर उसके बाद में आपका व्यूज को भी लेकर के हम आगे चलेंगे. जैसे हमारे दोनों सेक्रेटरीज ने कहा कि हम लोग तो सब एक ही टीम है, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से भाग किया गया है, लेकिन है तो एक ही देश में, तो अगर एक टीम होके काम करे तो अच्छा अचीवमेंट हम प्राप्त कर सकते हैं. कभी कभी हम लोग अपना ताकत को हम लोग पहचानते नहीं. हम लोगों का जैसे कि यूथ अफेयर्स में लगभग 80 लाख लोग जुड़े हुए हैं. अब बताइए भारत सरकार में या राज्य सरकारों में 80 लाख रेडीमेड फोर्स कहाँ होते हैं. लोगों को कभी कभी कौन कितना पैसे मिलता है, कितना उसका फाइनेंशियल एलोकेशन है, इस पे जाता है. ह्यूमन कैपिटल कभी कभी दिखाई नहीं देता. हमारे जैसे भारत सरकार का या राज्य सरकार का कोई भी बड़ा कार्यक्रम चलता है तो उसको हम एक इशारा दे देंगे तो हमारे लगभग 80 लाख वॉलंटियर्स, नेहरू युवा केंद्र संगठन, एनएसएस और जो स्काउट्स एंड गाइड्स और भी इंडायरेक्टली जुड़े हुए तो बहुत है, वो पूरे बढ़ चढ़ करके सारा कार्यक्रम को पूरा कर देते हैं. जैसे कि अभी हम लोगों ने 2 अक्टूबर को प्लॉगिंग रन किया था, उसमें शाम तक खबर आया कि नियरली 24 लाख उन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और ऑर्गेनाइजेशन कितने थे, हाँ इतने मतलब पार्टिसिपेशन किए. इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एवर ह्यूमन पार्टिसिपेशन प्रोग्राम लॉन्ग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ इट्स पार्टिसिपेशन, बट इफ यू फील क्लोजली इट्स ह्यूज. इन इट्स वेरी रेयर दैट इन आवर कंट्री such mega participation from the citizens
normally take this. Prime Minister Narendra Modi ji has launched some big programs. Amongst those big event and program is Fit India campaign. Fit India movement, आप लोग ने अपने अपने राज्य में महसूस किया होगा. I have also experienced and I'm also experiencing it now. Wherever I go, whether I go to private institution, government institution, or I meet the private citizens, now everybody is talking about fitness. It was not a very encouraging to see for me when I took over the charge of this ministry. We say India is a young country, old civilization, but young population. A young population must be a fit nation, but our fitness level in the international ranking, in the index of fitness, is not very encouraging. Most of the Indian population are not aware of the benefits of physical or mental fitness. और हमारा परंपरा में भी शुरू में तो हम देखते हैं कि शारीरिक रूप से हेल्दी होना ये तो अनिवार्य है, मानते हैं. लेकिन ओवर द इयर्स द लाइफस्टाइल हैज बिकम सच दैट वी आर नॉट लिविंग ए हेल्दी लाइफ. इसका प्रेजेंटेशन होगा, उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे. लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि फिट इंडिया मूवमेंट जो है ये गवर्नमेंट ने जरूर चलाया, लेकिन ये सिटीजंस मूवमेंट बनना चाहिए. अब सिटीजंस मूवमेंट तभी बनेगा जब हर राज्य सरकार इसको अपना ले और अपने लोगों को हर क्षेत्र में फिट इंडिया मूवमेंट को समाहित करते हुए कार्यक्रम को चलाना है. द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर दैट ही हैज ऑलरेडी गिवन डायरेक्शन टू ऑल द मिनिस्ट्रीज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल द मिनिस्टर्स. वेर एवर दे गो, वॉट एवर दे डू, फिट इंडिया मस्ट बी पार्ट ऑफ देयर एक्शन. It's a very universal. If you don't become fit, if you don't remain fit, the other things will not move forward. So, us hisab se, in a very simple way of thinking, my thinking is also that Fit India is a way of life, and it cannot be made into some kind of a competitive thing. But we must encourage in a certain manner so that each state or each institution try to be fitter than the other one. तो हम लोग ने मंत्रालय में चर्चा किया है कि अगले समय तक हम लोग ये कोशिश करेंगे कि we will identify which state or union territory in India is the fittest in terms of the maintenance of the lifestyle by the citizens, or in the unit wise, जैसे कि fit district, which is the fittest town और फिटेस्ट स्कूल ऑफ इंडिया. 100% नहीं हो सकता है, बट हम लोग एग्जाम में करते हैं कौन जो सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं मार्क. वैसे ही वी गिव अवार्ड्स फॉर वेरियस स्टेट. आजकल जैसे कि आपका स्वच्छ भारत के लिए काफी अवार्ड दिए, स्वच्छता को लेकर के काफी सक्सेस भी हुआ इस देश में. तो सबसे गाँव कौन सा सबसे साफ है, इस तरह का करते हैं. तो वी आर ऑल्सो थिंकिंग दैट वी मस्ट think in terms of identifying those states, those union territories, those cities, villages, schools and institutions, including the private corporate sector. Government will recognize some of those states which are taking a lead role. So it will create a healthy competition awareness amongst us. The Prime Minister ne kaha hai ki competitive federalism, we are one. But it's good that each state competes with each other in their sector. So that after all, देश को आगे बढ़ेंगे उससे. जब स्टेट आगे बढ़ेंगे तो देश को आगे बढ़ना है. तो ये चीज लेते हुए मैं समझता हूँ कि इंडिया को आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के हिसाब से चल सकते हैं. हमारा दूसरा, जैसे कि खेलो इंडिया का जो अभी सेक्रेटरी साहब ने जो बताया, ये एक मेजर प्रोग्राम है, उसका चर्चा डिटेल में होगा. और मुझे इस चीज को अच्छा लग रहा है कि इन लास्ट सिक्स मंथ्स मैं जब से यहां आया हूं, इन एवरी फील्ड इंडिया इज डूइंग बेटर देन
previous one. Yesterday I was giving awards to some wushu players. So we won 4 medals in the world championship. And this is the first ever India has won gold medal and maximum numbers of medals. ऐसा ही उस दिन रेसलिंग का हुआ. इंडिया won the maximum numbers of medals in the wrestling in world championship. फिर उससे उसके बाद में आया बॉक्सिंग. We won again 4 medals in the world boxing championship for the women category. That shows what? That shows that India is emerging fast as a sporting powerhouse. तो ये किसी न किसी स्टेट को बिलोंग करता है. एवरी प्लेयर कम्स फ्रॉम सम टेरिटरी ऑफ इंडिया विच इज गवर्न्ड बाय डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है. तो मैंने देखा है कुछ स्टेट बहुत ही प्रोएक्टिव रोल ले रहे हैं और कुछ स्टेट्स को थोड़ा सा और लेना चाहता है. मैं ये नहीं कह रहा कि कोई स्टेट जो है स्पोर्ट्स को नेग्लेक्ट करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रायोरिटी देना जरूरी है. तो प्रायोरिटी हम नहीं दे पाएंगे इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी सपोर्ट प्रोएक्टिव, तो फिर वो नहीं कर पाएंगे. जो हमारा सपना है कि 2028 ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में हम लोग टॉप 10 में आना चाहिए. जब मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज और उसके पूरा टीम देन ऑल द स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सबसे मिले थे, तो मैंने सबको कहा कि टारगेट लेके चलना पड़ेगा. हम बचपन से सुन के आए हैं कि इंडिया अगले ओलंपिक में ठीक करना चाहिए. वी शुड डू बेटर इन नेक्स्ट ओलंपिक. वो नेक्स्ट ओलंपिक आते गए, मैंने अपने जीवन काल में 12 ओलंपिक्स देख लिया, तो वो तो हो नहीं रहा है. एक दो मेडल से तो काम चलेगा नहीं. वी आर अ ह्यूज नेशन और इतना बड़ा देश और दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है ओलंपिक्स. उससे बड़ा इस पृथ्वी में और कोई यहां कोई इवेंट नहीं है. और उस इवेंट में उस ओलंपिक्स में हमारा झंडा नहीं रह रहेगा तो फिर कैसे हमारा शान आगे बढ़ेगा. तो वी हैव टू गो एग्रेसिवली विद कंसर्टेड एफर्ट एंड ऑल गवर्नमेंट्स मस्ट गिव प्रायोरिटी फॉर द यूथ. तो इसलिए जो खेलो इंडिया जो प्रोग्राम चला उसके वजह से काफी अवेयरनेस पैदा हुआ. और अभी आप लोग ने देख खेल मंत्री होने के नाते एंड सीनियर ऑफिशियल्स आपने देखा होगा, आई हैव विजिटेड मेनी ट्रेनिंग कैंप्स. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी ट्रेनिंग कैंप है, प्राइवेट का भी मैंने देखा है, स्टेट्स का भी मैंने देखा है. काफी इंप्रूवमेंट हो गए. देयर आर सम बेसिक इश्यूज नीड्स टू बी सेटल्ड बट थिंग्स आर इंप्रूविंग फास्ट. और थोड़ा सा हम एग्रेसिव हो जाएंगे और थोड़ा सा हम प्रोएक्टिव हो जाएंगे, हम कैसे टॉप 10 में नहीं आ सकते ओलंपिक्स में. और हमको आना है, दैट इज अ टारगेट आई हैव सेट टू द स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया. और उसके लिए व्हाट एवर इज नेसेसरी वी विल टेक डिसीजन एंड वी विल ऑल कम टुगेदर फॉर दैट. तो इस तरीके से एक माहौल जो है कल्चर स्पोर्ट्स कल्चर तो बनाने का जो बात है वो एक बेस बनेगा. इस देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा ये पक्का मानना है हमेशा कि अगर आप मेडल लाते हैं तो सेलिब्रेट करते हैं. तो इट्स नेचुरल दैट यू विन मेडल फॉर इंडिया द होल कंट्री सेलिब्रेट. लेकिन उसका क्या होगा जो मेडल नहीं जीत पाया. हम तो उसको तो पैसे राशि तो देते नहीं क्योंकि मेडल नहीं जीता, कोई पूछता नहीं. हाउ विल वी क्रिएट स्पोर्ट्स कल्चर इन द कंट्री. तो स्पोर्ट्स कल्चर मस्ट बी समथिंग विच वी ऑल हैव टू डिसाइड कि खेलना कितना जरूरी है. तो प्राइम मिनिस्टर का ओवर द लास्ट 5 इयर्स वेरियस स्पीचेस में जो मेंशन भी किया हुआ है कि स्पोर्ट्स एज ए वे ऑफ लाइफ स्पोर्ट्स एज ए कल्चर इज समथिंग विच वी हैव टू क्रिएट. इसलिए आपने देखा होगा हम लोगों ने काफी स्लोगन्स को भी चेंज किया. और मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर एक इंचार्ज के हिसाब से पार्लियामेंट में जवाब दे रहे थे 2014 में, व्हेन द देन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर सोनोवाल had gone to Commonwealth Games in Glasgow. So I was standing minister in the parliament. तो बातों बातों में उसमें मैंने जवाब देते समय ये कहा था कि वो जो कहावत है उसको बदलना होगा कि आप पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब. उसको बदलना बहुत जरूरी है, उससे सोच और पूरा सिस्टम खराब कर देता है. तो कोई बच्चा मतलब क्या है पढ़ने से आप बर्बाद हो जाएगा, खेलने से बर्बाद हो जाएगा, ऐसे तो हो नहीं सकते. इसलिए उस समय हम लोग ने लाइटन मूड में कहा था, बाद में वो जो है एक पॉलिसी के तहत आगे भी
चलते गए उस मूड और स्पिरिट में कि आप पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। तो ये जो हम लोगों ने कहा था वो आगे चलते गया, और ये अच्छा भी हो गया कि अब स्टार बन गया, पढ़ेगा लिखेगा तो हमारा दोनों आई एस ऑफिसर सीनियर ऑफिसर बना है। पढ़ने से ऐसे बनता है, खेलने से सुपरस्टार बन जाता है। तो एक हम लोग तरफ से हम लोग थोड़ा सा इसको ये देना है कि पढ़ने लिखने से तो अच्छा बनेगा ही, इट्स फिक्स, लेकिन खेलने कूदने से सुपरस्टार बन जाता है। तो इस तरह का मतलब इट्स अ वे ऑफ एनकरेजिंग द यूथ और हमारे युवाओं को कि वे ऑफ लाइफ और नौकरी कैसे देना, पॉलिसी सोचना चाहे राज्य को कि स्पोर्ट्स का जॉब में क्या हो सकते हैं, और वे ऑफ लाइफ जैसे मैंने कहा अगर मेडल नहीं भी जीता तो भी खिलाड़ी को सम्मान देना। अभी जैसे कबड्डी लीग चल रहे हैं, अगर कोई इंडिया के लिए नहीं खेला, इफ समबडी इज नॉट सिलेक्टेड इन इंडिया टीम सो व्हाट, ही इज अ गुड प्लेयर, ही प्लेज इन अ कबड्डी लीग, ही बिकम्स करोड़पति। पहले एक कबड्डी प्लेयर मुझे नहीं बताया सर, पहले हम लोग कबड्डी एशियन गेम्स जाते थे, ओलंपिक्स में तो है नहीं, एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीतेंगे तो हमको कुछ ना कुछ नौकरी जरूर मिलेंगे कि किसी फौज में या किसी कुछ ना कुछ नौकरी जरूर मिलेंगे, उसके लिए खेलते थे। अब कबड्डी प्लेयर्स तो स्टार हो गया, सेलिब्रिटी हो गए हैं, दे आर अर्निंग क्रोर्स। तो इसलिए अलग अलग क्षेत्र में भी तो क्रिएट जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड एवेन्यूज क्रिएट करना चाहिए, सो दैट सिर्फ मेडल जीत के लिए देश के लिए वो तो है ही सुपरस्टार, लेकिन जो बाकी है वो भी स्टार होना चाहिए। तो इस तरह का एक स्पोर्ट्स कल्चर वी हैव टू क्रिएट इन द कंट्री, उसमें सब योगदान देना चाहिए। एक विषय है, विषय तो बहुत अहम है क्योंकि अभी ज्यादा मैं समय नहीं रहा क्योंकि चर्चा और गेमफुल डिस्कशन में आगे जाना चाहिए, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूँ जीएसटी को लेकर के। मेरे पास बहुत स्टेट गवर्नमेंट का प्रेजेंटेशन भी आया और प्राइवेट सेक्टर और बहुत लोग आया। जब हम फिट इंडिया बोलते हैं और सबको फिट रहने के लिए कहते हैं, तो जो फिट रहने के जो इक्विपमेंट है, जिमनाजियम का आपका जिम का इक्विपमेंट है, खेलने के लिए इक्विपमेंट है, और गैजेट जितना भी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स रिलेटेड आइटम्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आपको बहुत आइटम चाहिए, उसको जीएसटी में इसको एक लग्जरी आइटम नहीं मानना चाहिए, इसको एक नेसेसिटी आइटम में मानना चाहिए, एसेंशियल कमोडिटी के हिसाब से। तो ये सबको मानना है, और आपको आपको मालूम है जीएसटी इज इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Since many states have already approached me on this thing and many sectors also, so we take advantage of this conference. So you have every state and union territory is being represented here. We can do in a two ways. One is we pass regulation, we draft something, we give it to the councils, GST council, or each state ministers or the concerned department can write or approach their own government, their own finance minister to present the case in the GST council, ताकि GST council में जब बैठेंगे तो इस चीज का निर्णय हो सके कि हम कितना consider view से sports and allied activities का। अगर football को आप उतना charge नहीं कर सकते, all the goods related to the youth affairs and sports हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं, उसको बाद में वी कैन फ्रेम सम काइंड ऑफ आइडिया व्हाट हाउ वी अप्रोच इट। लेकिन मेरा मानना है कि इफ एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड देन वी सर्टेनली पास सम काइंड ऑफ डिसीजन दैट वी टेक अप दिस केस विद आवर ओन रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड दिस यूनियन गवर्नमेंट फाइनली टेक्स अप इन द काउंसिल। उसके बाद में ये एक इम्पोर्टेंट चीज मैंने जो देखा, क्योंकि आई वॉज इन द होम मिनिस्ट्री सो आई हैव डेल्ट विद डिजास्टर मैनेजमेंट वेरी क्लोजली, एंड आई वॉज फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई वॉज आइडेंटिफाइड एंड अवार्डेड एज द डिजास्टर चैंपियन फॉर द एशिया एंड पैसिफिक रीजन, सो आई यूज टू रिप्रेजेंट द एशियन कंटिनेंट एज अ डिजास्टर चैंपियन। तो आई हैव डेल्ट दिस सब्जेक्ट वेरी क्लोजली। डिजास्टर मैनेजमेंट में नो वी हैव 15 बटालियंस क्रिएटेड अंडर होम मिनिस्ट्री नोन एज NDRF, and there is a body at the national level, NDMA, National Disaster Management Authority, headed by the Prime Minister. Nehru Yuva Kendra ne bahut acha pehal jo hua, aur Upma Chaudhary madam jab se aaye unhone ye bahut acha pehal kiya NDRF ke sath, har district mein abhi training chal raha hai, aur usme NDRF ke sath aur state ka jo state disaster response
फोर्स होते हैं उनके साथ मिल करके जो ट्रेनिंग चल रहा है. एंड सम डिस्ट्रिक्ट्स आर आइडेंटिफाइड एज अ वेरी डिजास्टर प्रोन एरिया, जहां डिजास्टर नेचुरल कैलामिटीज आते रहते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक दिस मैटर सीरियसली. कोई भी जब डिजास्टर होते हैं तो उसमें हम लोग सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्ड कौन कर सकते हैं? तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्ड करने के लिए मैं ये मानता हूं कि हमारा जो NYKS है, NSS है, स्टेट्स और वॉलंटियर्स है और जुड़े हुए काफी चीज है, उस सबको समाहित करते हुए NYKS ने जो लीड रोल लिया, आई थिंक उसको यूज करना चाहिए. वो जो देयर ऑलरेडी ट्रेंड है, द प्राइमरी एक्शन वेन एवर साइक्लोन आता है, अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, डिजास्टर तो एनी टाइम होगा. किसी के घर में आग लग सकता है, किसी का कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है. डिजास्टर इज पार्ट ऑफ आवर वे ऑफ लाइफ. होना ही होना है, कुछ ना कुछ नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर. तो ये जो उसमें नेहरू युवा केंद्र ने जो जो पहल की है, आई फील दैट ईच स्टेट, माई स्पेशल रिक्वेस्ट टू दी ऑनरेबल मिनिस्टर्स एंड द कंसर्न डिपार्टमेंट इन द स्टेट टू मेक यूज ऑफ दिस एफर्ट एंड मेक इट लार्जर थिंग, मेक इट टेक इट फॉरवर्ड. तो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा. देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स एंड ऑल एंड आई हैव टू एड्रेस समथिंग डाउन, सो आई हैव टू लीव एंड कंक्लूड इट नाउ. आफ्टर दिस देयर इज अ शॉर्ट ब्रेक एंड आई थिंक देयर इज अ प्रेजेंटेशन फिट इंडिया खेलो इंडिया यूथ अफेयर्स का प्रोग्राम ये करेंगे. तो इसमें आप लोग अच्छा से शार्प कॉन्क्रीट एंड बहुत ही valuable suggestion मिलेंगे. That is my expectation from all the honorable ministers and the representative. एक मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ये free accessibility to stadium for the athletes. कल आपको पता है Commonwealth Games Federation का chief आए थे, तो आते ही उन्होंने सबसे पहले ये बात बोला. It is a unique thing. She said, she being the head of the Commonwealth Games Federation, she has traveled across the globe. Interaction with many state, central and many agencies. Nowhere in the world this kind of proactive decision has been taken the way we have taken in the government of India. What we have decided is all the stadiums, all the sports facilities must be made available to the sports person. Ab jo secretary sahab ne zikr kiya, maan lo Nehru Stadium. Nehru Stadium pehle bada 1 lakh ka, fir 80,000, fir Commonwealth ne usko सी को फिर से रिफर्बिश किया, फिर नाउ इट इज 60,000. आप बताइए दिल्ली में 80,000 का गैदरिंग कितना बार होगा 5 साल में? दैट मीन्स दिस स्टेडियम इज मेड फॉर वन इवेंट, फिर तो होता नहीं. तो इसलिए मोर देन द साइज ऑफ द स्पोर्ट्स स्टेडियम और फैसिलिटीज, द एसेंशियल नीड इज टू सी दैट फैसिलिटी मस्ट बी यूजेबल. ताला लगा के रखा होता है सच में. मैं देखा, मैं तो नेहरू स्टेडियम गया तो बुरा हाल है, धूल इतना था कि मैं अंदर भी घुस नहीं पाया. मतलब इट वॉज अनयूज. एथलीट्स आर यूजिंग ओनली पोर्शन, ट्रैक यूज कर रहे हैं, साइड में है और एनुअल इवेंट कुछ ना कुछ होते रहते हैं, बाकी तो बड़ा बनाया हुआ है, इट्स अनयूटिलाइज. उसको हम लोग सोच रहे हैं क्या चेंज करना चाहिए. तो स्टेट में भी अभी कोई भी ओलंपिक्स, देखो 2028 ओलंपिक्स है लॉस एंजलिस में, उसके लिए अभी क्या डिसाइड कर रहा है कि दो स्ट्रक्चर्स विच आर गोइंग टू बी बिल्ट फॉर द ओलंपिक्स मस्ट बी यूटिलाइज फॉर समथिंग. तो क्या क्या? वो यूनिवर्सिटी होगा, द एथलीट्स विलेज, दोस विलेज देयर रूम्स विल बिकम द रूम्स ऑफ द हॉस्टल रूम फॉर द स्टूडेंट्स. और जहां मेन एरेना होगा ओलंपिक खेलेगा, दैट विल बी द यूनिवर्सिटी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव कैंपस. तो यूटिलिटी अभी मेरे पास क्या होता है, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, everybody comes to the government and say ek stadium de dijiye. It has become like a very regular feature of our discussion. Mujhe indoor stadium de dijiye, mujhe ek stadium de dijiye. The population of a town of a district is 12,000. He wants a stadium for 20,000 capacity. To ye hoga nahi. To isliye mera request rahega ki especially hamare jo sports mantri state ka, wo apna wahan bataye ki we concentrated on the facilities. It's school hai. स्कूल को ऑडिटोरियम क्या करना है, उसको स्टेडियम क्या करना है? द स्कूल विल नीड ए बेसिक फैसिलिटी, हॉकी ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बॉक्सिंग फैसिलिटी, तो बेसिक फैसिलिटी है. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ट्रेनिंग.
उसका बाद में कोचिंग, दिस आर मोस्ट वाइटल। तो ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव सोचे और जो बड़ा स्टेडियम बनाना फेडरेशन लोग करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जो स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग कर सकते हैं वो करेंगे, इन सम पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो फंड। तो इस तरह का जो एक्सेसिबिलिटी के बारे में मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपना स्पोर्ट्स फैसिलिटी को तरीके से ऑनलाइन करके प्रायोरिटी करके फेडरेशन को, स्पोर्ट्स पर्सन को, हाउ टू मेक देम यूज द फैसिलिटी, उस पर थोड़ा ध्यान देने से बहुत अच्छा रहेगा। अंत में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई विल एंड विद दैट, दिस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एज पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो रिसेंटली देयर इज अ देयर वाज अ एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, तो आई वाज मेंबर, तो मैं वहां गया और मैंने एचआरटी मंत्री एंड ऑल द एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, मैंने सबको बताया कि अब स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इट हैज टू बी पार्ट ऑफ द एजुकेशन एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज अडॉप्टेड दैट फिटनेस स्पोर्ट्स इज पार्ट ऑफ द एजुकेशन। तो अब लार्जर इशू ये होगा उसको मार्किंग सिस्टम में, एकेडमी में हाउ टू इंक्लूड दैट, दैट इज अ टेक्निकल थिंग विच विल बी डिसाइडेड एट द डिफरेंट लेवल, बट आवर एफर्ट हैज टू बी एवरी स्कूल एवरी इंस्टीट्यूशन वेयर यंग स्टूडेंट्स आर देयर, वी मस्ट एंश्योर दैट स्पोर्ट्स डू नॉट बिकम को करिकुलर एक्टिविटीज, इट इज नॉट एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, इट इज पार्ट ऑफ द एजुकेशन। योर फिटनेस इज इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। तो अपना अपना जो एजुकेशन का पैटर्न में, सिस्टम में स्पोर्ट्स फिटनेस को किस तरह से मैंडेटरी करना है, जैसे योगा से लेकर के बहुत अच्छी हो सकते हैं, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सोचेगा। एंड दिस इज माय जस्ट इनिशियल ऑब्जर्वेशन बिकॉज वी विल बी हियर फॉर द होल डे टिल आई थिंक 4 or 4:30, तो वी विल हियर फ्रॉम यू अगेन एंड माय डीप सेंस ऑफ एप्रिसिएशन टू ऑल ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। Download Tarang Online Radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.